नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग की कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी दूसरे चरण पर पहुंच गई है। इसके तहत ही हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में दो दो विधानसभा मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारी को कर लिया गया है, साथ ही कार्मिकों का दूसरे चरण का रेंडमाइजेशन किया गया है। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है दो दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवा कर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं निर्वाचन ड्यूटी पर, तो उनको फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे पोस्टल बैलेट और EDC के ऑप्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज़ हमारी उन विधानसभाओं में हैं जो लोकसभा नैनीताल के क्षेत्र में पड़ती हैं, वो जनरली EDC को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। वो मतदान के दिन EVM से उसी बूथ से फिर अपना वोट देने के लिए अधिकृत होंगे।